अगली खबर सीएम सिटी करनाल से है, जहां बीती रात सेक्टर 6 में पुलिस चौकी के समीप एक मकान में चोरों ने सेंध लगाकर लाखों रुपए के कैश व सामान पर हाथ साफ कर लिया। वारदात के समय मकान मालिक दूसरे कमरे में सोए हुए थे। सीसीटीवी कैमरों में चोरों की तस्वीरें कैद हो गई हैं। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक होंडा सिटी कार में आए दो चोर गाड़ी से उतरने के बाद पहले एक कमरे में घुसने का प्रयास करते हैं, फिर अचानक वापस दूसरे मकान की ओर चले जाते हैं। मकान मालिक के अनुसार चोरी की इस वारदात से उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि चोर 3 से 4 लाख रुपए कैश व सोना चांदी लेकर चले गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एसएफएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने का काम किया। हाँ, मैं करीब 11:30 बजे रूम में गई थी और लाइट वगैरह और ताले चेक करने के लिए सुबह 7:15 बजे, तब कुछ भी नहीं था। 7:15 हम दूसरे रूम में सो गए। मम्मी के टीवी का, मम्मी के कमरे का टीवी खराब गया था, तो हमने अपने बेडरूम का मम्मी के बेडरूम में लगा दिया और हम गेस्ट रूम की टीवी देखने के चक्कर में वहाँ ही सो गए। और सुबह 7:15 बजे उठे तो हमारे बेडरूम की कुंडी अंदर से लगी हुई थी। हमें डाउट हुआ कि हम तो 3 ही लोग रहते हैं और कोई घर पे है ही नहीं, अंदर से कुंडी कैसे लग सकती है। फिर हम पीछे से गए तो खिड़की की ग्रिल निकली हुई थी और हमें पता लग गया कि क्या लगा, क्या क्या चोरी होगा। हमें डाउट तो वही गया। फिर हमने पड़ोसियों से बात की दोनों से, तो उनके कैमरा में साफ साफ आ रहा था कि 2:30 बजे के करीब दो बंदे घुसे हैं और 3:15 के आसपास बाहर गए हैं। और अब जब इन्होंने, पुलिस वालों ने आके खोला और फोरेंसिक वाले आए हैं तो इन्होंने देखा, तो जो हमारा नुकसान हुआ है 4.5 लाख रुपये के डायमंड और गोल्ड प्लस कैश भी था। कैश 70 से 80 हज़ार रुपये कैश था। वैसे इतना कैश होता नहीं हमारे घर में, बस कल टीवी लाना था इसलिए कल ये निकाल के लाए थे कैश, प्लस 25,000 की चांदी। किसी को पता था ऐसा कि आपने पैसे वैसे लाए हैं घर में? कोई नहीं, हमारे तो घर के ही हैं सब यहाँ पे ऐसे तो। और लेकिन जो फोटो में आ रहा है जो लोग दो, वो तो बिल्कुल भी हम नहीं उनको रिकॉग्नाइज करते। वो बिल्कुल तो एक बंदा है 30 to 40 years की एज के बीच में, 20 to 25 की एज के बीच में दो बंदे हैं। हाँ जी, और जो एक बंदा बड़ा वाला है उसके थोड़ा सिर भी बाड़ है, यहाँ से दिख रहे हैं साफ साफ। तो पुलिस को बुला लिया, पुलिस को हमने इन्फॉर्म किया था, वो 1.5 घंटे बाद आए। फिर उसके 1.5 घंटे बाद फोरेंसिक वाले आए, फिर आप लोग। आपका पूरा नाम? मैं रश्मि थापर, हाउस नंबर 1062 सेक्टर 6। हमारे घर के गए थे बंदे इस रात को, मकान नंबर 1 में बंदे घुसे हैं चोरी करके। क्या बताया कितने पाए और पता चला है कि सीसीटीवी फुटेज भी देखी है, उसमें भी दो बंदे पीछे से घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, और सामान हिसाब से कमरे में पीछे जो आगे बंदे सोए हुए थे बराबर में भी थे, परंतु उस कमरे में रात को पता नहीं चला, 2 बजे के आसपास से रात को दो बंदे घर में घुसे हैं और कुछ ज्वेलरी वगैरह। क्या बताया, क्या क्या ले गए? 75,000 के आसपास तो रुपए है कैश है, और 4 लाख के आसपास ज्वेलरी है, ज्वेलरी उससे डॉलर है। क्या कार्रवाई की जा रही? कार्रवाई अभी कंप्लेंट लिखित रूप में ले रहे हैं, उसके हिसाब से फुटेज है कार की लोकेशन को सारी है, नंबर ठीक से हो गया तो JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।